चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं यार। चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि डेरिवेटिव को आप किस तरीके से यूज़ करते हो बाकी चीज़ें मालूम करने के लिए, मतलब डेरिवेटिव आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा होता है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन की हेडिंग ये है, बाय द वे चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो आपको चार चीज़ें बताती है। जरा देख लेते हैं चार चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ इक्वेशंस, मैं नीचे लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का स्लोप बताती है आपको। दूसरी चीज टेंजेंट की इक्वेशन, इसी तरह नॉर्मल की इक्वेशन, ये भी आपको डेरिवेटिव बताता है। तो ये टोटल चार चीजें हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर ये आपने चार चीजें निकालनी है तो डेरिवेटिव जो है वो आपके इन चीजों में हेल्प करेगा। किस तरीके से? सबसे पहली बात, टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है? आपके पास कोई भी कर्व गिवन है, चाहे वो पैराबोला कंसीडर कर लो, एलिप्स कंसीडर कर लो, सर्किल कंसीडर कर लो, या हाइपरबोला कंसीडर कर लो, कोई भी कर्व शेप आपके पास मौजूद है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करके जा रही है तो उस लाइन को आप टेंजेंट बोलते हो। सेलेक्ट करो एलिप्स है, तो इस पॉइंट पे एक लाइन जो है वो टच करके जा रही है, तो इस लाइन को आप बोलोगे टेंजेंट। इसी तरह लेट कर लो ये हाइपरबोला है, इस पॉइंट पे एक लाइन टच करके जा रही है, तो इस लाइन को बोलोगे टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जा रही होती है। अब नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहे हैं ना कर्व को, उस पॉइंट पे आप एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, ठीक है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो है वो टच कर रही है कर्व को, उस पॉइंट पे आप एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, तो उस लाइन को आप क्या बोलोगे? नॉर्मल। जैसे यहां पे आपने टेंजेंट बनाया था, 90 डिग्री की एक लाइन बना दो, इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे? नॉर्मल लाइन बोलोगे। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे टेंजेंट और नॉर्मल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप नॉर्मल का भी निकाल सकते हो। चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप किस तरह निकलता है। अगर एक लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप -2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज कर दो। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है, आप आसानी से वहां से नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हो। तो ये चार चीजें मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसमें चारों चीजें मालूम करके दिखाऊंगा, तो ये एप्लीकेशन आपकी कवर हो जाएगी। अच्छा, ये चारों में से कोई भी चीज दे सकते हैं आपको। मे बी एमसीक्यूज में बोले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो कुछ भी आ सकता है। तो जरा सवाल देख लेते कैसा आता है। बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, लेकिन मैं चारों चीजें निकाल के दिखा दूंगा। इसमें गिवन आपको क्या होगा? इसमें आपको गिवन एक कर्व की इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और कोई भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा, मतलब जिस पॉइंट पे आपने इक्वेशन निकालनी होगी ना। मैंने बताया था ना टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच करता है, इसी तरह नॉर्मल उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दो आप, तो आपको पॉइंट तो पता होना चाहिए ना जिस पे आप स्लोप या टेंजेंट की इक्वेशन जो भी निकाल रहे हो। तो एक कर्व गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा। अब वही चार चीजें हैं। सबसे पहली चीज निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको पहले छोड़ दो, वर्किंग सबकी कॉमन वर्किंग है। कॉमन वर्किंग क्या है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कर्व को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली कर्व को आप डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले। अब ये इंप्लिसिट फंक्शन है, मैंने चैप्टर 4 में आपको बताया था इंप्लिसिट फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, तो देख लो। इसमें ऊपर आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब कैसे आएगा, मैंने डिटेल में आपको बताया था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, और डिनोमिनेटर में वाई को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करो और एक्स को कॉन्स्टेंट लो, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है? अब काम स्टार्ट हो गया आपका। सबसे पहली चीज आएगी, डेरिवेटिव आपने निकाल लिया ना, पहली चीज क्या निकालनी है हमें? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है कि आप डेरिवेटिव के अंदर, अच्छा एमसीक्यूज में स्टेप इतने मैटर करते नहीं है, आप स्टेप लिखो या ना लिखो बात एक ही है।
जो आपके पास डेरिवेटिव आया है ना उसके अंदर पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट में एक्स वैल्यू जीरो है, वाई वैल्यू 1/3 है, तो वाई की जगह पुट कर दो 1/3, एक्स की जगह पुट कर दो जीरो। तो इसको सॉल्व करो क्या होगा, 7/3 -7/9 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -7/9। तो डेरिवेटिव लेने के बाद आप जब पॉइंट पुट करते हो तो जो भी चीज आपके पास आती है उसको आप बोलते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। एम टी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कैसे निकाला आपने, डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने पॉइंट पुट कर दिया, तो जो आपके पास आंसर आया है उसको आप बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहली चीज आपने मालूम कर ली। अब आ जाओ आप दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या आती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मैं एन लिख रहा हूं भाई, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करो, 7/9 है ये 9/7 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, दैट्स इट। तो सेकंड चीज आपके पास क्या आ गई, नॉर्मल का स्लोप। अब लेट कर लो, अगर आपके पास सवाल आ रहा है जिसमें आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो उसके लिए पहले आपको टेंजेंट का निकालना जरूरी होगा, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे पुट करोगे तो टेंजेंट का आएगा, टेंजेंट के जरिए से आपको नॉर्मल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीजें हमने पढ़ ली कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। अब आ जाओ कि इनकी इक्वेशन कैसे निकलेंगे। तो तीसरी चीज है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई स्लोप आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है -7/9 और पॉइंट क्या है 0,1/3, तो इस पे आपको लगाना है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला की मैंने ट्रिक भी डिस्कस की हुई थी, मैं वो ट्रिक यूज करता हूँ, मैंने आप लोगों को उधर भी बताया था कि मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रिक ही हो उसकी। अब आप पॉइंट पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3, या आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, ठीक है। अब रही बात नॉर्मल की, नॉर्मल की किस तरह निकालोगे, तो बस नॉर्मल में पॉइंट तो सेम रहेगा, पॉइंट तो वही है जो सवाल में गिवन है। स्लोप नॉर्मल के लिए क्या है, 9/7, तो ये इस स्लोप को कंसीडर करो और पॉइंट है 0,1/3, तो अब जरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, 9x-7y = 0 पुट करो, ये हो जाएगा -7/3। -7/3 आ रहा है, लेकिन इक्वेशन में हम नॉर्मली फ्रैक्शन रखते नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो पूरी इक्वेशन को, और ये -7 को उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास नॉर्मल ये इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। तो ये चार चीज़ें आप आसानी से निकाल लोगे। अच्छा कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें ना आपको वो वैल्यू नहीं देते, मतलब पॉइंट नहीं देते, आपको बोलेंगे जैसे ये ना आपको दें बल्कि बोलें @x = 0, पॉइंट नहीं दे रहे बल्कि x वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस x वैल्यू को उठा के फंक्शन के अंदर पुट कर देना, आप ही कर भी लेना। यहाँ पे अगर आपको बोलें कि ये कर्व है और आप लेट कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो x = 0 पे, तो पॉइंट तो आपको नहीं पता, कैसे निकालोगे पॉइंट, इस x की वैल्यू को कर्व के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3y+1, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। अच्छा यहाँ पे -1 था बाय द वे, ये मेरी मिस्टेक होगी, इससे फ़र्क पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल में इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी उन्होंने, हाँ बुक में एग्जाम्पल थी, तो आप इसमें x की जगह 0 पुट करना, y की वैल्यू 1/3 आ रही होगी, तो वो पॉइंट भी दे सकते हैं आपको, या अगर उन्होंने पॉइंट नहीं दिया हुआ, x वैल्यू दी हुई है, तो आप x वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करना, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पॉइंट आ गया। उसके बाद बाकी की वर्किंग मैंने डिटेल में चारों केसेस आपको बता दिए, ये है पहली एप्लीकेशन डेरिवेटिव की। क्लियर है बात यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, कोई गलत किया मैंने क्या? अच्छा नहीं, स्लोप आपने निकाल लिया टेंजेंट का, पॉइंट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना, और नॉर्मल के लिए फिर नॉर्मल का स्लोप आप यूज कर लेना।
उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव आपको हेल्प करता है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। अब रेट ऑफ चेंज में क्या आएगा, लेट कर लो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क आ जाएगा। अच्छा रेट ऑफ चेंज आगे भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क वो अलग नाम होता है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका 5-6-7 रेट ऑफ चेंज होते हैं, अगर आप विकिपीडिया पे लिखो तो आपको सबके नाम आ जाएंगे, लेकिन आपके लेवल पे एक्सेलरेशन का ही आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये दो ही चीज़ें आ रही होती हैं। तीसरी चीज़ अगर आ गई क्योंकि बुक में नहीं है तो जर्क का दे देंगे, जर्क क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब क्या बन रहा है, कंसिडर करो आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिसमें s जो है वो एक डिस्टेंस का फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। आपको कोई भी एक फंक्शन दे देंगे, जैसे एग्जांपल में यहां पे लिखा हुआ है s इक्वल टू 1/280 स्क्वायर, ये दे दिया, या लिखा हुआ है s इक्वल टू 9√t। बस आपके पास एक s फंक्शन गिवन होगा जिसमें टाइम आ रहा होगा, t आ रहा होगा, और आपको बोला जाएगा वेलोसिटी निकालो या एक्सेलरेशन निकालो, तो प्रोसेस क्या होगा। तो याद रखना कि डिस्टेंस को एक दफा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास क्या आएगा वेलोसिटी आएगी। तो जो भी आपके पास डिस्टेंस फंक्शन मौजूद है आप उसको बस एक दफा डिफरेंशिएट कर देना तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को दो दफा डिफरेंशिएट करो, अच्छा ये टॉपिक मुझे 4.4 में बताना चाहिए था, मेरे जहन से निकल गया, डेरिवेटिव हायर ऑर्डर भी होते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब कि जैसे अगर आपको बोलें कि यार एक फंक्शन है टेंजेंट, नहीं टेंजेंट तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा साइन के साथ नॉर्मली आता है, साइन कॉस के साथ, साइन 2x लिखा हुआ है, और आपको बोला जाए आप ये मालूम करो y डबल डैश भी बोल सकते हैं, या आपको ये भी बोल सकते हैं 2d²y/dx², ये मालूम करो, तो इसका मतलब आपने दो दफा डिफरेंशिएट करना है इसको। तो सबसे पहली दफा डिफरेंशिएट करो, साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2cos 2x, फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा -4sin 2x। रूल आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, फिर 2 को आप साइड पर रखोगे, कॉस का डेरिवेटिव -sin, फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लोगे 2 आएगा, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि एक दफा आपने करना होता है, आप हायर ऑर्डर भी करते हो, सेकेंड ऑर्डर, मतलब दो दफा डिफरेंशिएट किया, तीन दफा डिफरेंशिएट किया, तो प्रोसेस वही होता है, बस आप बार बार डिफरेंशिएट करते जाते हो। तो ये वाली नोटेशन भी लिख सकते हो, या स्क्वायर लगा दो आप, वो भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस को अगर आप एक दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस को अगर आप दो दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। और वही चीज़ है, अगर डिस्टेंस को आप तीन दफा डिफरेंशिएट कर दोगे, टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, तो जर्क आ जाता है। खैर, जर्क की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है कि एक दफा करो वेलोसिटी, दो दफा करो एक्सेलरेशन, तीन दफा करो जर्क। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस को दो दफा डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आती है, लेकिन अगर वेलोसिटी को एक दफा करो तब भी एक्सेलरेशन आती है। आप जरा गौर करो, जब आपने डिस्टेंस को एक दफा डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी आई थी, अब डिस्टेंस को दो दफा करो ये भी आप बोल सकते हो, या वेलोसिटी को एक दफा कर लो, तो एक ही बात है, वेलोसिटी को एक दफा डिफरेंशिएट करो या डिस्टेंस को दो दफा, तो आपके पास एक्सेलरेशन आती है। इसी तरह इसमें भी आप ये बात बोल सकते हो कि अगर आप डिस्टेंस को तीन दफा करो तो जर्क आता है, वेलोसिटी को दो दफा करो तो भी आपके पास जर्क आएगा, या एक्सेलरेशन को एक दफा करो तो आपके पास जर्क आएगा। तो तीनों तरीके से आप बात कर सकते हो, मशहूर ज्यादातर इनकी ये होती है, तो इसलिए मैंने ये वाली लिखवा दी है। मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, जैसे इन्होंने एग्जांपल बुक में गिवन की हुई है कि आपके पास एक फंक्शन है s इक्वल टू 1/280 स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आएगा, थोड़ा सा हिस्सा है, वो था ना vit + 1/280 स्क्वायर, उसका थोड़ा सा हिस्सा लिखा हुआ है।
तो लिखा हुआ है कि स्पीड मालूम करो, आपसे बोल रहे हैं स्पीड। अच्छा, जो आपके पास आ रही है ये, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है। वेलोसिटी एज अ वेक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पे, उसका जस्ट आपको मैग्नीट्यूड बताएगा डेरिवेटिव। तो तभी यहाँ पे स्पीड का जिक्र किया गया है। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यही है। स्पीड एक स्केल ऑफ क्वांटिटी है यार, 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको आप स्पीड बोलते हो। नॉर्मल लाइफ में भी आपने स्पीड बोला हुआ है। वेलोसिटी क्या होती है, जब मैं बोलूँ मैं 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, मैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जब डायरेक्शन आप इन्वॉल्व करोगे तब वो वेलोसिटी हो जाती है। तो जो आपको डेरिवेटिव देता है वो आपको मैग्नीट्यूड देता है, तो नॉर्मली स्पीड बोल देते हैं हम उसको। तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसको, वेलोसिटी या स्पीड निकालने के लिए आप एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हो, 1/2a, ये टोटली कॉन्स्टेंट है, साइड पर कर दो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करो तो स्पीड क्या हो जाएगी, 8t के बराबर हो जाएगी। और लेट कर लो, अगर आपको बोलते कि एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करते, 2 दफा डिफरेंशिएट कर देते। तो पहली दफा जब आपने डिफरेंशिएट किया था ये आया था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ए को साइड पे रखो, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, मतलब ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है बुक में, वो जरा देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2at2। आदि तो वही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करो, यू को साइड पे करो, टी का डेरिवेटिव 1, इसी तरह 1/2a को साइड पे करो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। सिंप्लीफाई करो, पहली चीज़ हो जाएगी यू, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है ना, हाँ। और सेकंड दफ़ा आप डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब देखो यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, अकेला मौजूद है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और ए टी में अगेन ए को साइड पे करो, टी का डेरिवेटिव 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ए के बराबर। तो बस एक दफ़ा डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, 2 दफ़ा करो एक्सेलरेशन। अच्छा, कितनी दफ़ा सवाल आता है कि वेलोसिटी निकालो एट टाइम 2 सेकेंड, तो जो भी आपके पास वेलोसिटी आई है ना उसके अंदर टाइम की जगह आप 2 पुट कर देना। ठीक है, लेट कर लो, यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है कि आप वेलोसिटी निकालो एट टाइम 10 सेकेंड या मिनट जो भी है, तो आप टाइम जो भी वेलोसिटी आई है उसमें टी की जगह वो पुट कर देते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज की। ये 5.1 का टॉपिक है, जो अभी दोनों आपने टॉपिक पढ़े हैं ना, ये 5.1 के टॉपिक पढ़े हैं आपने। कोई सवाल यहां तक? मैंने बोला था कि अगर डिस्टेंस को आप 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आती है, या डिस्टेंस को 2 दफ़ा करने के बजाय वेलोसिटी को 1 दफ़ा कर दो, क्योंकि बेसिकली ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी, वी के बराबर थी। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो या इसको 1 दफ़ा डिफरेंशिएट कर दो, कर तो दोनों को एक एक दफ़ा रहे, मतलब इसको 1 दफ़ा कर रहे हैं तो ये 2 आ गया, इसको 1 दफ़ा कर रहे हैं ये आ रहा है, लेकिन बोलने में ये आएगा कि डिस्टेंस को 2 दफ़ा किया है और वेलोसिटी को 1 दफ़ा किया है, ये बोला था। अच्छा, इसी की एक और एप्लीकेशन भी है, मतलब एप्लीकेशन नहीं है, मतलब यही टॉपिक चल रहा है, उसमें ज़्यादातर वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनके सवाल डाल देते हैं इसमें, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अच्छा, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4/3 को साइड पे कर, अच्छा ये वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, ध्यान रखना, वेलोसिटी के लिए छोटा वाला वी यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए बड़ा वाला। 4/3π, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको साइड पे कर दो, रेडियस जो है वो वेरिएबल क्वान्टिटी है ना, तो इस पर डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 4πr², और 4πr² भी कुछ होता है आई गेस,
एरिया ऑफ स्फीयर होता है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, गलत बात ना मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे ज़्यादा तो याद आ रहा है एरिया ऑफ स्फीयर होता है ये, सरफेस एरिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब वॉल्यूम को आप एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हो ना, ये भी एमसीक्यू जा सकता है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, जैसे ही आपने इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर क्या आ रहा है, 4πr². तो ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ नहीं लिखते, बेहतर है मैं आगे लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इसको आप बोलते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि भाई अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास सरफेस एरिया आता है स्फीयर का, ठीक है। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फिर भी एक चीज़ आएगी, इस वॉल्यूम को दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो अगेन 4π साइड पे हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, सिंप्लीफाई करो तो ये 8π आ रहा है, और 8π r भी क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है जिसको आप बोलते हो पेरीमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो पेरीमीटर होता है वो 8π r के बराबर होता है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लो क्या आएगा, सरफेस एरिया, दूसरी दफ़ा जब डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा, पेरीमीटर, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले याद करने चाहिए आपको, इसी तरह एक फॉर्मूला एरिया के याद होने चाहिए, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr², अगर आप रेडियस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, अगर डायमीटर की फॉर्म में होना चाहिए तो वो है π/4 डायमीटर का स्क्वायर, सेम ही फॉर्मूला है, बस ये रेडियस की फॉर्म में या डायमीटर की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्किल का, अगर आपके पास आ जाए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल तो वो 2πr के बराबर होता है। अच्छा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही दोबारा बात आ सकती है कि लेट कर लो ये एरिया है ना, एरिया है πr², अगर आप एरिया को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हो तो पाई को साइड पे करो, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, मतलब 2πr हो जाएगा, और आपको पता है 2πr क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो अगर एरिया ऑफ सर्किल को आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपके पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्किल का, ठीक है, और इसी को पैरामीटर भी कहते हैं, सर्किल का जो पैरीमीटर होता है ना वो सर्कमफेरेंस ही होता है। पैरीमीटर बेसिकली ये होता है कि अगर कोई शेप है ना, जैसे आपके पास कोई स्क्वायर है तो उस शेप की जितने साइड्स हैं उनकी लेंथ को आपस में ऐड कर दो, चार लेंथ है इनको आपस में ऐड कर दो, तो जो एरिया जो सर्किल है ना, सर्किल में कोई साइड नहीं होती, सर्किल में क्या है, ये पूरी बाउंड्री है, तो उस पूरी बाउंड्री को आप क्या बोलते हो, सर्कमफेरेंस, और पैरीमीटर भी हम बोल सकते हैं इसको, सर्किल में सर्कमफेरेंस पैरीमीटर एक ही चीज़ होती है, और सर्कमफेरेंस बाकी शेप के अंदर कुछ नहीं होती, मतलब स्क्वायर का सर्कमफेरेंस ये कुछ नहीं होता है, सर्किल के अंदर ही होता है, सर्कमफेरेंस की टर्मिनोलॉजी। यहां तक बात क्लियर है? इसी तरह ये 5.2 के अंदर था शायद, या 5.1 के अंदर है, ये एक फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ये जो आप कॉनिक सेक्शन पढ़ते हो ना, ये वही चीज है, इसी को अगर आप इंटरसेक्ट करते हो तो आपके पास वो डिफरेंट पैराबोला एलिप्स हर चीज़ आ रही होती है। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/2πr² h, वेयर r रेडियस होता है और h उस पूरे कोन की हाइट होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब अच्छा ये फॉर्मूले मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं सवाल करवाता हूँ, जैसे बुक में सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बैलून, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच रिमेन स्फेरिकल व्हेन ब्लोन, मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो बैलून है ना वो स्फेरिकल है, ठीक है, तो आपने रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जरा देखते हैं फाइंड करने को क्या बोल रहे हैं वो, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये आपको मालूम करना है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, वही चीज जो आपने यहां पे मालूम की थी, विद रिस्पेक्ट टू आर आपने डिफरेंशिएट करना है ना, तो 4/3π को साइड पे रखा था और आर क्यूब का डेरिवेटिव था 3r², तो आंसर आ गया था 4πr², ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, उसी वक्त आपको पता होगा जब आप फॉर्मूला याद है, ठीक है। बाकी इसके कुछ MCQs जो है वो मैंने बताया हुआ है कि हम बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, और NAD के पास पेपर में चैप्टर 5 के MCQs भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसके अंदर भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है बात यहां तक? एक और भी इसकी एप्लीकेशन है यार डिफरेंशियल की और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने की, तो वो भी जरा अप्रोक्सीमेट की मैं बता देता हूँ। डिफरेंशियल की जो टेक्निक है वो हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, वो एज सच मुझे टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कॉपी कर लो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो।